हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। आज हम डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट एक्सेप्ट डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल बाइनरी नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय टू। राइट, हमें डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो सभी बाइनरी नंबर, उन सभी बाइनरी नंबर को एक्सेप्ट करे जो डिविजिबल बाय टू हो, और उन सभी बाइनरी नंबर को रिजेक्ट करे जो डिविजिबल बाय टू ना हो। इट मीन्स रिमाइंडर कितना दे, जब भी कोई बाइनरी नंबर है उसको मैं टू से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना दे, जीरो दे। राइट, अब देखो बच्चे, जीरो बाइनरी नंबर, जीरो जीरो मीन्स जीरो। राइट, बाइनरी नंबर वन, वन मीन्स वन। बाइनरी नंबर बच्चे 10, दैट मीन्स 2, 11 मीन्स 3, 100 मीन्स 4, 101 मीन्स 5। राइट, इट मीन्स मुझे कौन कौन सी स्ट्रिंग चाहिए बच्चे, 0 एक्सेप्ट करवानी है मुझे, 10 एक्सेप्ट करवाना है मुझे, 100 एक्सेप्ट करवाना है। राइट, ऐसे 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा। राइट, इन बाइनरी फॉर्म। तो अब बच्चे डीएफए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इस चीज के लिए, देखो बाइनरी नंबर मींस इनपुट अल्फाबेट सिंबल क्या रहेगा, 0 और 1। अल्फाबेट सिंबल क्या रहेगा बच्चे, 0 और 1। आपको क्या एक्सेप्ट करवाना है बच्चे, बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय टू। डिविजिबल बाय टू मींस रिमाइंडर कितना आए, 0 आए। राइट, तो ये स्टेट मेरे को हमेशा रिमाइंडर 0 देगा, ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर 1 को। राइट, इट मींस अब देखो हम डीएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं, इट मींस अगर कितने भी जीरो आए, कितने भी जीरो आए, सिंगल जीरो बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय टू, क्योंकि जीरो को डिवाइड बाय टू करूंगा रिमाइंडर जीरो ही है। नेक्स्ट बच्चे 00 एक बाइनरी स्ट्रिंग है, 00 अगेन 00 मीन्स 0, दैट इज डिविजिबल बाय टू। राइट, अब बच्चे सपोज करो हमारे पास आ जाता है 1, इनपुट 1, 1 मीन्स बच्चे डेसिमल वैल्यू 1। राइट, इट मीन्स ये एक्सेप्ट मुझे नहीं करना। अब बच्चे देखो 1 के बाद क्या है, 10 डेसिमल वैल्यू 2, 2 बच्चे 2 को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ बाइनरी फॉर्म में, 10 इट मीन्स 10 तो आपको एक्सेप्ट करवाना है, तो वापिस ये ले आओ। राइट, अब आ जाता है 3, 3 मीन्स 3 को कैसे लिख सकता हूँ बाइनरी फॉर्म में, 11 तो मुझे रिजेक्ट करना है क्योंकि 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 11। राइट, नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट क्या है 4, 4 मीन्स 100 दैट इज 100 फाइनल स्टेट पे आ रहा हूं, अगेन एक्सेप्ट हो रहा है। 5 मीन्स 101 5 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 1, इट मीन्स इस स्टेट पे आ गया, रिमाइंडर 1 वाली स्टेट पे आ चुका हूं। राइट, तो अब हम बच्चे इसकी ट्रांजिशन टेबल लिखते हैं। मेरे पास दो स्टेट है, एक 0 स्टेट और एक 1 स्टेट, एक 0 स्टेट बच्चे और एक 1 स्टेट। राइट, अब एक 0 स्टेट और एक 1 स्टेट, इस केस में बच्चे ट्रांजिशन टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं। इनपुट क्या है बच्चे, अब 0 का आप चाहे Q0 लिख लो, Q1 लिख लो। राइट, एक ही बात है, Q0 स्टेट एंड Q1 स्टेट। इनिशियल स्टेट कौन सी है, Q0 स्टेट। फाइनल कौन सी है बच्चे, आपकी फाइनल भी Q0 है। राइट, अब इनपुट सिंबल आपके पास क्या क्या था, इनपुट सिंबल सर 0 है, 1 है, क्यों, क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग्स है बच्चे। राइट, अब देखो ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा, Q0 से जब 0 लेके गया कौन सी स्टेट पे हूं, Q0, Q0 से जब 1 लेके गया कौन सी स्टेट पे आया, Q1, Q1 से जब 0 लिया कौन सी स्टेट पे आया बच्चे, Q0, और Q1 से जब लिया तो कौन सी स्टेट पे आया, 1 लिया तो Q1 पे। तो ये है मेरी ट्रांजिशन टेबल बच्चे, किसके लिए, कौन से डीएफए के लिए, जो एक्सेप्ट कर रहा है बच्चे ऑल बाइनरी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। राइट, अब हम देखते हैं बच्चे डिविजिबल बाय 3 के लिए, तो डीएफए क्या है बच्चे, लैंग्वेज क्या है, ऑल बाइनरी स्ट्रिंग विच आर डिविजिबल बाय 3। राइट, अब देखो बच्चे इसके लिए डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है आपके बच्चे, रिमाइंडर 0 पॉसिबल हो सकता है, रिमाइंडर बच्चे 1 पॉसिबल हो सकता है, और रिमाइंडर 2 पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, जब आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर पॉसिबल है, 1 रिमाइंडर पॉसिबल है, और 2 रिमाइंडर पॉसिबल है। राइट, तो अब आपको कौन से नंबर बच्चे, नंबर 0, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 12, इनको तो एक्सेप्ट करवाना है।
राइट, क्योंकि थ्री को आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि थ्री सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व डिविजिबल बाई थ्री है, राइट। थ्री को कैसे लिख सकते हो बच्चे, वन जीरो जीरो। सिक्स को कैसे लिख सकते हो बच्चे, वन वन जीरो। सॉरी, थ्री को आप, थ्री को कैसे लिख सकते हो, जीरो वन वन, राइट। अब नाइन आ जाते हैं बच्चे, नाइन, नाइन को कैसे लिख सकते हो बच्चे, ये लो जीरो को, राइट। इट मीन्स ये चीज़ें आपको सब एक्सेप्ट करवानी है। और अगर मैं ट्वेल्व को कैसे लिख सकते हो बच्चे, एट फोर ट्वेल्व, राइट। और दूसरे जो भी नंबर हैं लाइक वन, वन को वन, टू को कैसे लिख सकते हो बच्चे, टू को वन जीरो, नेक्स्ट फोर को वन डबल जीरो, नेक्स्ट फाइव को वन जीरो वन, ये एक्सेप्ट नहीं करवाने आपको, राइट। तो अब देखो बच्चे कैसे डी एफ ए कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये कौन सी स्टेट है, ये स्टेट मुझे जीरो रिमाइंडर दे रही है जब किसी भी नंबर को मैं थ्री से डिवाइड करूं। ये कौन सी स्टेट है, स्टेट बच्चे क्यू वन है। इट मीन्स वन, मीन्स वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी नंबर को जब मैं थ्री से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर वन दे रहा है, राइट। और इस स्टेट पे मैं कब आऊंगा, जब कोई नंबर जब मैं थ्री से डिवाइड करूं तो टू रिमाइंडर दे, क्योंकि बच्चे जब थ्री को किसी भी थ्री को डिवाइड करते हैं तो थ्री ही पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर की, जीरो वन एंड टू, राइट। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, ये वो स्ट्रिंग है जो आपको एक्सेप्ट करवानी है, बाइनरी स्ट्रिंग जो आपको एक्सेप्ट करवानी है। इट मींस जीरो कितने भी आए, जीरो डिवाइड बाय थ्री रिमाइंडर जीरो है तो एक्सेप्ट करवाना है। इट मींस क्यू नॉट स्टेट कौन सा हो जाएगा बच्चे, क्यू नॉट स्टेट मेरा हो जाएगा बच्चे फाइनल, राइट, क्यू नॉट फाइनल। नेक्स्ट बच्चे, अब आपके पास वन आता है, वन आता है तो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वन डिवाइड बाय थ्री रिमाइंडर क्या आया बच्चे, वन, राइट। वन डिवाइड बाय थ्री रिमाइंडर क्या आया, वन। नेक्स्ट बच्चे टू, टू मीन्स वन जीरो, टू, टू टू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बच्चे, वन जीरो। तो टू, टू डिवाइड बाय थ्री रिमाइंडर क्या है, टू। इट मीन्स कौन सी स्टेट पे जाएगा, टू स्टेट पे जाएगा। वन जीरो, वन जीरो इज इक्वलेंट टू टू, टू डिवाइड बाय थ्री रिमाइंडर टू है बच्चे, इसीलिए रिमाइंडर टू तो क्यू टू दे रहा है मुझे, राइट। अब आ जाते हैं बच्चे नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या है, वन वन। थ्री को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वन वन, राइट। और थ्री डिवाइड बाय थ्री रिमाइंडर जीरो, तो बच्चे वन, फिर वापिस से फाइनल में एक्सेप्ट करवा दो आप, राइट। अब आ जाते हैं बच्चे फोर, फोर डिवाइड बाय थ्री रिमाइंडर वन। इट मीन्स किस स्टेट पे आएगा, क्यू वन पे आएगा। फोर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वन जीरो जीरो, वन जीरो वापिस से बच्चे जीरो, राइट। फोर, फोर डिवाइड बाय थ्री रिमाइंडर वन। अब फाइव, फाइव क्या बच्चे, वन जीरो वन, वन जीरो वन, क्योंकि फाइव डिवाइड बाई थ्री रिमाइंडर टू है, तो यहां आप क्या लगा दो बच्चे, लूप वन का, राइट। नेक्स्ट बच्चे सिक्स, सिक्स क्या है, डबल वन जीरो, वन वन जीरो एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे, फाइनल पे जा रहा हूं। नेक्स्ट है बच्चे सेवन, सेवन बच्चे रिमाइंडर क्या दे रहा है, वन। कैसे लिख सकता हूं बच्चे सेवन को, ट्रिपल वन फोर टू वन, राइट। तो बच्चे देखो वन वन वन, राइट, सेवन डिवाइड बाई थ्री रिमाइंडर वन है। ऐसे बच्चे हमने पूरी टेबल को कंस्ट्रक्ट किया है, राइट। अगर हम इसकी ट्रांजिशन टेबल को देखें, अगर हम इसकी ट्रांजिशन टेबल को देखें तो कैसे कंस्ट्रक्ट होगी बच्चे, राइट। कितनी स्टेट्स है मेरे पास सर, क्यू नोट स्टेट्स हैं, नेक्स्ट क्यू वन स्टेट है और नेक्स्ट क्यू टू स्टेट है। क्यू नोट स्टेट कौन सी स्टेट है, जो रिमाइंडर जीरो दे रहा है जब मैं किसी नंबर को थ्री से डिवाइड कर रहा हूं, किसी बाइनरी नंबर को थ्री से डिवाइड कर रहा हूं। क्यू वन बच्चे जब रिमाइंडर वन प्रोवाइड करवा रहा है और क्यू टू जीरो, तो इनिशियल स्टेट कौन सी है बच्चे, क्यू नॉट। फाइनल कौन सी, क्यू नॉट। और फाइनल भी कौन सी है बच्चे, क्यू नॉट स्टेट ही फाइनल है। आ रहा है समझ में। अब देखो बच्चे इनपुट सिंबल आपका क्या क्या था, इनपुट सिंबल आपका क्या क्या था। इनपुट सिंबल सर मेरा जीरो और वन था, क्योंकि बाइनरी नंबर है बच्चे, राइट। तो अब इसकी ट्रांजिशन टेबल को ड्रॉ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, सिंटेक्स समझना इसको। क्यू जीरो को जीरो दिया तो क्यू जीरो को जीरो देने पे कहां आया हूं, क्यू जीरो पे। Q0 को 1 दिया तो कहाँ आया हूँ, Q1 पे। Q1 से जब मैंने 0 दिया Q2 पे, Q2 से बच्चे जब 0 दी, Q1 पे जब 1 दिया Q0 पे। नेक्स्ट बच्चे Q2 पे जब 0 दिया, Q2 पे जब 0 दिया Q1 पे, Q2 पे जब 1 दिया तो Q2 पे, राइट। ये मेरी बच्चे ट्रांजिशन टेबल आई है। अब एक चीज यहां समझने की बात है बच्चे, ट्रांजिशन टेबल का सीक्वेंस देखो, आपके पास कितनी स्टेट थी, थ्री स्टेट थी, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, फाइनल स्टेट क्यू नॉट, राइट। अब देखो बच्चे थ्री स्टेट्स है, तो जब भी आपने जीरो और वन दिया है तो इनपुट स्टेट्स देखो बच्चे किस फॉर्म में आई है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू,
आ रहा है बच्चे समझ में? और यही है बच्चे, जब भी आप किसी भी बाइनरी नंबर को डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5 करवाना हो तो आपके पास कितनी टोटल स्टेट है वो लिख लो, क्योंकि कितनी टोटल स्टेट पॉसिबल होगी बच्चे, जितना रिमाइंडर है, राइट? बट जरूरी नहीं है बाइनरी के केस में वो मिनिमल हो, जरूरी नहीं है वो बाइनरी के केस में मिनिमल हो। हम अभी एक एग्जांपल से चेक करने वाले हैं। एक बार पिछले वाला एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे, कितनी स्टेट थी क्यू नोट एंड क्यू वन। तो देखो सीक्वेंस क्या थी, क्यू नोट क्यू वन, राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चे, यहां से हमने ड्रॉ कर लिया। सपोज करो मैं कौन सी लैंग्वेज के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, ऑल बाइनरी स्ट्रिंग विच आर डिविजिबल बाय फोर। अब देखो बच्चे, मैं रैंडम ड्रॉ कर रहा हूं, सीधा ट्रांजिशन टेबल पे जब हम मूव करते हैं, ट्रांजिशन टेबल को देखो हमने कैसे बनाया, राइट? नेक्स्ट, अब देखो बच्चे, डिविजिबल बाय फोर है तो कौन कौन सी स्टेट आएगी, कौन कौन सी रिमाइंडर पॉसिबल है बच्चे, 0, 1, 2 एंड बच्चे 3, राइट? जब भी किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो कितने रिमाइंडर पॉसिबल है बच्चे, 0, 1, 2 एंड 3, और इनपुट क्या है बच्चे, 0 और 1। तो देखो मैं डायरेक्ट सीक्वेंस लिख रहा हूं, 4 स्टेट से बच्चे आपकी Q0, Q1, Q2, Q3, राइट? अगेन बच्चे Q0, Q1, Q2, Q3 डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चे। इट मीन्स ये DFA मुझे क्या दे रहा है बच्चे, ये DFA मुझे क्या दे रहा है, ये इनिशियल, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है तो इनिशियल ही फाइनल हो जाएगी आपकी, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, राइट? तो ये कौन सी स्टेट है, ये कौन सा DFA है बच्चे, किस लैंग्वेज के लिए DFA है, ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स विच आर डिविजिबल बाय 4। अगर मेरे को 5 के लिए ड्रॉ करना है, तो कैसे करूंगा? अगेन बच्चे, किसी भी नंबर को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 0 टू 4 टोटल 5 रिमाइंडर पॉसिबल है। तो डायरेक्ट मैंने टेबल ड्रॉ किए बच्चे, कैसे, स्टेट क्यू नोट, स्टेट क्यू वन, स्टेट क्यू टू, स्टेट क्यू थ्री, स्टेट क्यू फोर, राइट? अब बच्चे इनपुट अल्फाबेट मेरा क्या था, 0 और 1। तो आपने टेबल कैसे बनाई, डायरेक्ट बच्चे क्यू नोट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री एंड क्यू फोर। अगेन बच्चे क्यू नोट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री एंड क्यू फोर, राइट? मैंने डायरेक्ट टेबल बनाई है। अब बच्चे एक चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते हो, क्यों, क्योंकि इतने ही रिमाइंडर पॉसिबल है तो बच्चे हर स्टेट पे तो जाएगा ही जाएगा, राइट? कितने, अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 रिमाइंडर पॉसिबल है, 0, 1, 2 एंड 3। किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 टू 4, राइट? अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बच्चे। हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को देखा था बच्चे, ऑल बाइनरी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, ये राइट बना लिया था बच्चे, हमने DFA कंस्ट्रक्ट किया, उसकी टेबल को देखा और टेबल का पैटर्न देखा। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया ऑल बाइनरी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, अगेन DFA को कंस्ट्रक्ट किया बाय टेकिंग इनपुट स्ट्रिंग, और बच्चे उसकी ट्रांजिशन टेबल को भी ड्रॉ किया और एक पैटर्न को देखा कि क्यू नोट क्यू वन क्यू टू, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू, राइट? अगेन बच्चे डिविजिबल बाय 4 के लिए, ऑल बाइनरी स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 4 के लिए हमने क्या किया है बच्चे, देखो अगेन सेम पैटर्न को बिना DFA बनाए हमने सेम पैटर्न फॉलो किया, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, राइट? यहां कितनी स्टेट आई है बच्चे, अगेन 4 स्टेट, क्योंकि 4 से जब आप डिवाइड कर रहे हो, जब आप 4 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो 4 ही रिमाइंडर पॉसिबल है। सेम केस बच्चे, जब आपने, ये कौन सी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज इज ऑल बाइनरी स्ट्रिंग विच आर डिविजिबल बाय 5, राइट? तो इसके लिए हमने ये सीधी ट्रांजिशन टेबल को कंस्ट्रक्ट किया बच्चे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे आपको दिखने से ऐसे लग रहा है कि जब भी मैं DFA ड्रॉ कर रहा हूँ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग विच आर डिविजिबल बाय 4, तो कितना स्टेट आ रहा है, 4। बट याद रखना बच्चे, ये मिनिमल DFA नहीं है, नॉट मिनिमल डीएफए। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, राइट है बच्चे, बट जरूरी नहीं है कि ये मिनिमल डीएफए होगा।
रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, जब भी आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो ये डीएफए तो राइट है, बट जरूरी नहीं है कि ये मिनिमल डीएफए है। जब बच्चे हम टॉपिक करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए तो उस केस में देखेंगे बच्चे, सेम एग्जांपल करेंगे और यहां कितनी स्टेट आएगी, 3 स्टेट आएगी। इट मीन्स बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि जब भी मैं ऑल बाइनरी स्ट्रिंग विच आर डिविजिबल बाय 4, आप ये लिख लेना, ये सेम टेबल को ड्रॉ कर लेना और लिख लेना 4 स्टेट रिक्वायर्ड, बट नोट लिख लेना दीज आर नॉट इन मिनिमल डीएफए, राइट। और सेम लिख लेना बच्चे कि इन मिनिमल डीएफए फॉर द लैंग्वेज ऑल बाइनरी स्ट्रिंग विच आर डिविजिबल बाय 4 रिक्वायर्स 3 स्टेट। कैसे है 3 स्टेट, ये हम मिनिमाइजेशन में डिस्कस करेंगे बच्चे, राइट। इट मीन्स बच्चे अब ये क्या है, ऑल बाइनरी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, राइट। तो इस केस में भी बच्चे अब मुझे नहीं पता कि अभी हम इस कितनी स्टेट आएगी इसमें, इस सेम एग्जांपल को बच्चे हम मिनिमाइजेशन में देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या नंबर ऑफ स्टेट स्टिल 5 आई है या इससे भी कम हुई है, राइट। इट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, आपको जो नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, नोट लिख लीजिए बच्चे, the DFA that accepts all base m number which are divisible by n requires n states. next important point बच्चे, where n need not be minimal states, right। अब देखो बच्चे इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी तक हमारा बेस क्या था बच्चे, बेस क्या था, बेस 2 यूज किया हमने, ऑल बाइनरी नंबर, इट मीन्स बेस क्या यूज कर रहा हूं, 2। इट मीन्स यहां अगर बेस 2 है तो कौन कौन से सिंबल पॉसिबल है बच्चे, 0 और 1, राइट, 0 और 1। अगर बच्चे आपने बेस 3 को किया है तो किसी भी स्ट्रिंग, जब भी कोई स्ट्रिंग बनेगी तो बेस कौन वैल्यू या सिंबल कौन कौन से पॉसिबल है, 0 1 2, राइट। अगर मैं बेस 4 की बात करूं तो कौन कौन सी बच्चे सिंबल पॉसिबल है मेरी स्ट्रिंग में, जैसे बाइनरी स्ट्रिंग 0 और 1 से बन रही है क्योंकि बेस 2 है, ऐसे ही बच्चे अगर बेस 3 हुआ तो आपकी स्ट्रिंग किस किस सिंबल से बनेगी, 0 1 एंड 2। अगर आपका बेस 4 है तो किस किस स्ट्रिंग सिंबल से बनेगी, 0 1 2 एंड 3, राइट। अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, पॉइंट ये है बच्चे, द डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल बेस एम, बेस कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, नंबर विच आर डिविजिबल बाय एन, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 6, राइट, रिक्वायर्स कितनी स्टेट, एन स्टेट्स बच्चे। बाइनरी नंबर बेस 2 डिविजिबल बाय 4 रिक्वायर्स 4 स्टेट, बाइनरी नंबर बेस 2 डिविजिबल बाय 5 रिक्वायर्स 5 स्टेट्स, राइट, बट दीज 5 स्टेट्स नीड नॉट बी मिनिमल। पॉइंट ये है बच्चे, आपको ध्यान रखना है, राइट बच्चे। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, जो हमने मिनिमाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ देखा है वो हम एग्जैक्ट सेम एग्जांपल बच्चे जब हम मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए करेंगे वहां पे कवर करेंगे, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस लेक्चर के लिए, इस लेक्चर में बच्चे हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल रीड किया है, ऑल बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 2 रिक्वायर्स ओनली 2 स्टेट, ये राइट है बच्चे, हमेशा मिनिमल में भी 2 होगा, सॉरी। नेक्स्ट, ऑल बाइनरी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 रिक्वायर्स ऑलवेज 3 स्टेट, ये भी मिनिमल है बच्चे और ये राइट है। बट बच्चे जब हम 4 के केस में आते हैं, ऑल बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 4 रिक्वायर्स 4 स्टेट, बट ये मिनिमल नहीं है, मिनिमल इज 3, मिनिमाइजेशन चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सेम बच्चे डिविजिबल बाय 5 के लिए भी वहां चेक करेंगे, राइट। तो हमने एक फॉर्मूला रीड किया, द डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल बेस एम नंबर विच आर डिविजिबल बाय एन
विच आर डिविजिबल बाय एन, डिविजिबल बाय 5, 6, 7, 8, रिक्वायर्स ऑलवेज 5, 6, 7, 8 स्टेट्स, राइट? बट एन नीड नॉट बी मिनिमल. आ रहा है बच्चे समझ में? सपोज करो बच्चे आपने क्या लिखा, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं. आपने लिखा ऑल बेस 3 नंबर, ऑल बेस 3 नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4, विच आर डिविजिबल बाय 4. अब इसके लिए बच्चे मेरे को DFA कंस्ट्रक्ट करना है. अब बच्चे स्ट्रिंग लेके DFA कंस्ट्रक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो मेथड बताया उससे भी कर सकते हैं. डायरेक्ट ट्रांजिशन टेबल को बनाने की कोशिश करें बच्चे. कैसे? देखो बच्चे, डिविजिबल बाय 4 रिक्वायर्स 4 स्टेट, दैट इज क्यू नॉट, दैट इज Q1, Q2 एंड Q3, राइट? और बच्चे बेस 3 है तो कौन कौन से इनपुट सिंबल होंगे, 0, 1 एंड 2. इनपुट सिंबल कौन कौन से होंगे, 0, 1 एंड 2, राइट? अब आपको कुछ भी नहीं करना, इनिशियल को क्या बनाना है, फाइनल, राइट? अब आपको कैसे लिखना है, Q0, Q1, Q2, Q3. अगेन से सीरीज स्टार्ट कर दो, Q0, Q1, Q2, Q3. अगेन बच्चे Q0, Q1, Q2 एंड Q3, राइट? तो ये अब इस टेबल से जब आप DFA को कंस्ट्रक्ट करोगे तो बच्चे आपका DFA कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. और वो किस लैंग्वेज के लिए होगा, ऑल बेस 3 नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4. बट ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है ये मिनिमल हो, मिनिमल हो, ये कोई जरूरी नहीं है बच्चे. तो हम मिनिमाइजेशन करके देखने वाले हैं, राइट? एक और एग्जांपल कर लेते हैं बच्चे. सपोज करो प्रॉब्लम है DFA दैट असेप्ट ऑल ऑक्टल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 6, विच आर डिविजिबल बाय 6 रिक्वायर्स हाउ मेनी स्टेट्स. अब डिविजिबल बाय 6 ऑलवेज रिक्वायर्स बच्चे हाउ मेनी स्टेट्स, 6 स्टेट फ्रॉम Q0 टू Q5, राइट? कैसे होगा बच्चे? और इनपुट सिंबल क्या क्या होने वाले हैं देखो आप बच्चे. स्टेट कौन कौन सी होगी, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. टोटल रिमाइंडर कितने पॉसिबल है बच्चे, जब भी 6 से डिवाइड करोगे, जब भी किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हो तो टोटल 6 रिमाइंडर पॉसिबल है विद द रेंज 0 to n-1, राइट? तो ये बच्चे क्या हो गया मेरा, इनिशियल फाइनल हो गया. अब देखो बच्चे इनपुट सिंबल क्या है, ऑल ऑक्टल नंबर, इट मीन्स बेस क्या है बच्चे, 8. तो इसमें बेस 8 है तो कौन कौन सी सिंबल से स्ट्रिंग बनेगी बच्चे, 0 से लेके 7 तक. तो इनपुट सिंबल क्या है बच्चे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. आ रहा है बच्चे समझ में? अब अगर DFA ड्रॉ करना है सिंपल मेथड, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, अगेन Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, अगेन Q0, Q1. ऐसे बच्चे आप ड्रॉ कर सकते हो पूरी टेबल को, राइट? बट अगेन कह रहा हूं बच्चे जरूरी नहीं है ये मिनिमल हो, नीड नॉट बी मिनिमल. तो ये आपको चेक करना होगा बच्चे, राइट? ये ध्यान रखना. तो आज हमने जो पॉइंट रीड किया है बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए था द DFA दैट एक्सेप्ट ऑल बेस m नंबर विच आर डिविजिबल बाय n रिक्वायर्स n स्टेट. और क्यों होता है ऐसा बच्चे, क्योंकि जब भी किसी नंबर को आप n से डिवाइड करते हो तो 0 से लेके n-1 रिमाइंडर पॉसिबल है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर आर n. इसीलिए बच्चे, राइट? तो बच्चे इस अच्छे से पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि बच्चे जो ऑल बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 4 है अभी तक गेट में नहीं आया और उसके आने के चांसेस हैं, तो उसको हम मिनिमाइजेशन चैप्टर में कवर करेंगे, राइट? तो मिलते हैं कुछ और DFAs के साथ नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.